सर, अच्छा वो आप लोग आ गए। पता नहीं उसने ये सब कैसे किया होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कौन है ऊपर? सर वो मानव की वाइफ किंजल है और सर वो किसी को कुछ भी कर सकती है, प्लीज उसे लेकर जाइए। सर एक मिनट, कौन से फ्लोर पे वो? सर 5th फ्लोर, फ्लैट नंबर 504। क्या हुआ? तुम कौन हो? वो मेरी पत्नी किंजल। वो किंजल नहीं है, वो कोई और है। एक मिनट, चलो आ जाओ। 1 मिनट, मुझे बचा लो। किंजल मुझे बचा लो। किंजल तुम ठीक हो? तूने मारा। छोड़ दे मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मारूंगी मैं तुझे। मुझे छोड़ दो। ये क्या बड़बड़ा रही थी सर? बचा लो मुझे। और वो भी ऐसी आवाज है, बूढ़ी औरत की आवाज में। वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद इसी बात से तो लोग डर रहे थे। और उसका पति मानो भी। ये कौन से सना हुआ है? ये देखिए सर, निशान अंदर की तरफ जा रहा है। God. मर चुका है सर। 3 खून। यकीन नहीं होता सर, एक लड़की ऐसे 3 हट्टे-कट्टे लड़कों को इतनी बुरी तरीके से मार सकती है। कमाल है सर, 3 लड़के इस कमरे में मारे जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने ना भागने की कोशिश की और ना ही लड़ने की। यहाँ पे सारा सामान अपनी जगह पे है, हाथापाई के कोई निशान नहीं। समझ भी नहीं आ रहा है। खिलौना लगता है, ये तो बहुत पुराना खिलौना। अब ये इस मानू से पूछो, वही बताएगा यहाँ क्या हुआ था। सर इन सब के पीछे एक ही बात है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन असल में ऐसा ही हुआ था। कौन सी बात? बताओ। सर मैं और मेरी पत्नी किंजल कुछ ही हफ्ते पहले इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। मैं ज्यादातर समय हॉस्पिटल में ही रहता था। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल से आया तो किंजल बड़ी खुश थी। उसने बताया कि उसे सामने वाली खिड़की में कोई बुजुर्ग आंटी दिखाई थी। किंजल इस बात से खुश थी कि दिन भर वक्त बिताने के लिए उसे कोई साथी मिल गया था। किंजल इतनी खुश थी कि वो उस घर में उस आंटी से मिलने के लिए चली गई। मैं भी उसके पीछे चला गया। उस फ्लैट में 3 लड़के रहते थे। उन लड़कों ने बताया कि उनके यहाँ कोई बुरी औरत नहीं रहती, लेकिन किंजल मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने जबरदस्ती उनके घर में घुसकर उस औरत को ढूंढा, लेकिन वो औरत उस फ्लैट में कहीं नहीं मिली। और सर कुछ दिन बाद जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो किंजल ने मुझे नींद से उठाकर बताया कि उसे वो बूढ़ी औरत हमारी खिड़की पर दिखाई दी थी और किंजल से मदद मांग रही थी। मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा था सर। मैंने किंजल को सो जाने के लिए कहा। इसी बीच मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गया। एक इमरजेंसी सर्जरी करने के लिए मुझे हॉस्पिटल निकलना पड़ा सर। मतलब किंजल ने उस औरत को उस फ्लैट में देखा था, मगर आप लोगों में से किसी ने भी उस बूढ़ी औरत को उस फ्लैट में नहीं देखा। और अगर ये मान भी लें कि वो बूढ़ी औरत वहां पर थी, तो भी वो किंजल की खिड़की पे कैसे पहुंची? ये फ्लैट तो 5वें फ्लोर पे है, कैसे हो सकता है ये? और वो बूढ़ी औरत मदद के लिए किंजल को बोल रही है, जिसने खुद 3 लड़कों का खून कर दिया। तो क्या ये सब किंजल का वहम था? सर ऐसी कोई बूढ़ी औरत इस फ्लैट में तो क्या, हमारे पूरी बिल्डिंग में नहीं रहती वो। सर और वो जो सामने वाले फ्लैट में 3 लड़के रहते थे, वो तो किसी से मतलब ही नहीं रखते थे, हमेशा अपने आप में रहते थे और हमें से किसी को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम मान भी ले कि ये उसका वहम है, तो भी 3 लोगों के खून हुए हैं। अभिजीत कुछ तो है जो हमारी नजर में नहीं आया। अगर आप लोगों ने कुछ देखा हो तो प्लीज बताइए। कुछ भी, किसी को आते जाते या कोई आवाज सुनी हो, कुछ भी? नहीं सर, कुल मिला के हमें कुछ गिने चुने लोग यहाँ पर रहते हैं, अभी कुछ ज्यादा लोग यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए हैं। और सर मैं तो अपनी वाइफ के साथ अपने कमरे में सो रहा था। सर मैं तो शूट पे थी, मेरा आज शूट था वो भी नाइट शिफ्ट का, सो मैं भी नहीं थी। मैं भी अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी पर गया था, मैं खुद सुबह 6 बजे आया। और तुम वॉचमैन? साहब मैं यहीं पर था लेकिन मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हैं, प्लीज जाइए। चेक करना पड़ेगा कि ये लोग सही बोल भी रहे हैं कि नहीं। पंकज जरा ये देखना कि ये लोग जहाँ होने की बात कर रहे हैं वहाँ पे थे भी या नहीं, और इन तीनों लड़कों की डिटेल्स भी निकालो। मानो आप दिखाइए जरा वो जगह जहाँ पे किंजल ने उस बूढ़ी औरत को देखा था। आइए सर। सर यही वो खिड़की है जहाँ से वो बूढ़ी औरत किंजल से मदद मांग रही थी। ये कांच पे हाथों के निशान तो दिख रहे हैं। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत सामने वाले फ्लैट में रहती है। ये मानव बता रहा था ना कि किंजल को वो सामने वाले फ्लैट में चेयर पे बैठी हुई दिखती थी और मदद मांगती रहती थी। उस फ्लैट में कहीं चेयर वगैरह है? चेयर थी सर, स्टोर रूम में एक चेयर थी। सर ये वो कुर्सी है सर, शायद किंजल सच कह रही थी सर। अब ये कुर्सी तो मिल गई, बूढ़ी औरत भी मिल जाएगी। लेकिन सर अगर वो बूढ़ी औरत यहाँ पर थी तो जब किंजल उस औरत के बारे में पूछने आई थी यहाँ पे तो इन लड़कों ने झूठ बोला था उससे। सर अगर बूढ़ी औरत सच में थी तो वो किंजल की खिड़की तक कैसे पहुंची? सर अभिजीत उस खिड़की का कांच निकाल रहा है जिसपे उस बूढ़ी औरत के उंगलियों के निशान मिले हैं। तुम 5वीं मंजिल पर रहते हो ना, इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर और 2 मंजिलें हैं, मतलब 2 फ्लैट्स हैं। कौन रहता है उन दोनों फ्लैट्स में? सर 6th फ्लोर पे तो खुद रहते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं कि अगर मैं मानव के ऊपर रहता हूँ तो ये सब काम मैंने किया है? एक मिनट। और 7th फ्लोर पे कौन रहता है? सर वो फ्लैट काफी दिन से बंद पड़ा हुआ है। जैसे तुमने बताया इस बिल्डिंग का टेरेस बंद ही रहता है, ताला लगा हुआ है। इसका मतलब है वो औरत या तो तुम्हारे फ्लैट में से नीचे उतरी है या फिर 7वें मंजिल वाले फ्लैट से। दोनों फ्लैट की तलाशी लेते सर, पता चल जाएगा बूढ़ी औरत किस फ्लैट से लटकी थी। आइए सर। को देखकर लगता तो नहीं है सर कि यहाँ पे कोई रहता था। हाँ वही। फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास ही होती है ना? सर आप फिर से मुझ पर ही शक कर रहे हैं। हाँ शक कर रहे हैं। सर ये फ्लैट 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ सर? हाँ ये देखिए रस्सी का निशान। दया औरत रस्सी से यहीं से गई है किंजल की खिड़की तक। सर हाँ दया ये देखिए सर, लगता है 2 साल बाद यहाँ कोई मेहमान आया था। उंगलियों के निशान, वो औरत किंजल तक यहीं से पहुंची थी। मालिक कौन है इस घर का? सर अंकना कुमार, वो सूरत में रहती हैं। उन्होंने जब से ये फ्लैट लिया सर ये फ्लैट बंद ही पड़ा हुआ है। दया बिल्डर से इस अंकना कुमार का एड्रेस ले लेते हैं, और तुम लोग है ना इस बिल्डिंग में रहने वाले, तुम पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। सर, अमर, रूहान और संजय एड एजेंसी में काम करते थे सर, और हमने चेक किया तो पता चला कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हाँ सर, ये तीनों किंजल को पहले से ही जानते नहीं थे। अच्छा, और ये बाकी के लोग खून के वक्त वो लोग क्या कर रहे थे? सर, सबका स्टेटमेंट हमने रीचेक किया। ये सोहन जो फ्रेंड की पार्टी में गया हुआ था सर, उसका दोस्त दरअसल घर पे था ही नहीं, वो शहर से बाहर है सर, इस वजह से उससे बात ही नहीं हो पाई है। और ये अमित और सीमा अपने घर पे ही थे। मानव उस वक्त हॉस्पिटल में ही था, स्टाफ ने कंफर्म किया है, लेकिन सर जिस पेशेंट का ऑपरेशन मानव करने वाला था वो हॉस्पिटल में आया ही नहीं था। और वो एलिना, वो उसको कहाँ? सर एलिना एड की शूट पे थी सर, वो उस एड एजेंसी में मैनेजर है सर, और सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि वो जो गार्ड था ना सर, मस्त नींद में सो रहा था। उसकी शक्ल देख के लग ही रहा था सर कि वो सो ही रहा होगा। वो बूढ़ी औरत किंजल से मदद मांगती है, किंजल मदद करने जाती है और तीन लोगों का खून कर देती है। क्या कनेक्शन है इस बूढ़ी औरत का और किंजल का? सर ऐसा लग रहा है कि किंजल को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बूढ़ी औरत है कौन? वही तो इस किंजल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अपने होश में नहीं है वो, और कोई तो है जो उसके इस स्थिति का फायदा उठा रहा है, उससे ये खून करवा रहा है, मगर कैसे? और फिर ये क्या राज है इस खिलौने के पीछे? हेलो, ओके, थैंक यू सर। हॉस्पिटल से फोन था, किंजल अभी नॉर्मल है, लेकिन एक बात है, उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। किंजल, क्या तुम ठीक हो? जी सर, पर हुआ क्या है? कल रात जब तुम्हें वो बूढ़ी औरत दिखी थी, उसके बाद क्या हुआ था? मैं उनको बचाने के लिए उनके फ्लैट गई थी, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे तो ये नहीं पता वो मेरी खिड़की में आई कैसे। किंजल, तुम्हें याद है तुम्हारे हाथ में एक रॉड था, रॉड, और तुम्हारा पूरा शरीर खून से सना हुआ था, और तुम कुछ बड़बड़ाती जा रही थी। मुझे बचा लो सर। रॉड, खून? सर मुझे नहीं याद कि मैं क्या बड़बड़ा रही थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा वैसे क्या हुआ क्या है किंजल को? सर मैंने इनसे बात कर ली है, इनका पूरा चेकअप भी करवाया है, बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन दिमागी स्तर पर कुछ गड़बड़ है सर। इनका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहता, इनका इलाज भी चल रहा था सर। इनकी ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि इन्हें कुछ दवाइयां काफी सालों से दी जा रही थी। किंजल जरा ये देखो, ये हमें उस फ्लैट में से मिला है। नहीं, बताओ मुझे, किंजल क्या करेगा? मुझे मार डालेगा, किंजल मुझे मार डालेगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, कोई नहीं है यहाँ पे। बचाओ मुझे, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। बचाओ मुझे। मानो देखो, तुम्हारी पत्नी किंजल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लगता है कोई तो उसका फायदा उठा रहा है। तुम्हारी शादी कब हुई थी? सर 1 साल पहले। इनके परिवार में कौन कौन? किंजल की एक दादी है, थारीवाद में रहती है, और शादी से पहले किंजल उन्हीं के साथ रहा करती थी। मरा तो ये इसी से है। क्या लाश से सबूत मांग रहा है? हाँ यार, मांगने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ लेकिन लाश बता नहीं रही। एक काम करो, तुम पूछ के देखो, शायद तुम्हें बता दे। अच्छा क्यों भाई, कुछ बता दो। अरुण ही बताएगा। ले अब तू ही बता, बता बता जल्दी बता। बस लगता ऐसा है कि इन तीनों की मौत इस रॉड के वार की वजह से हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल इन दो की मौत इस रॉड के वार की वजह से हुई है, लेकिन इसकी मौत किसी और वजह से हुई है। ये देखो, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये छोटा सा निशान। ऐसा लगता है किसी नुकीली चीज से इसके सीने पे वार किया गया है। बिल्कुल, और इसी नुकीली चीज के वार की वजह से इसकी मौत हुई। मतलब किंजल ने पहले इस हथियार से इस पर वार किया, जबकि वो पहले मर चुका था। एक बात और, इस हथियार पर किंजल की उंगलियों के निशान के अलावा इस संजय की उंगलियों के निशान भी हैं। हाँ, तो किंजल और संजय के बीच में हाथापाई हुई होगी और उसी दौरान ये उंगलियों के निशान रॉड पे आ गए होंगे। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक बात सोचो, रूहान के कपड़ों पर रूहान का खून मिला है, अमर के कपड़ों पर भी अमर का ही खून है, लेकिन इस संजय के कपड़ों पर और इसके शरीर पर भी रूहान और अमर इन दोनों का भी खून मिला है। एक सोचने वाली बात है। अब ये खूनी कौन है जिसने संजय को मारा? शर्म की, तू बता सकता है? ये छोटा सा छेद है, ये घाव है, वो किससे बना होगा? बस ये किसी बारीक नुकीली चीज, जैसे कोई पेन जैसा हथियार, उससे बना है। लेकिन सर, हमने तो पूरा घर अच्छी तरह से छान मारा था, वहाँ पे ऐसे कोई हथियार या पेन जैसी कोई चीज नहीं थी। और ये वाला, ये जो निशान है वो? बस ये दरअसल जब किसी ने वो पेन जैसी चीज से इस पर वार किया तो उसकी उंगलियों के खरोंचों के निशान है, और ये इतना तेजी से वार किया गया कि उसके नाखूनों के टुकड़े भी इसमें फंसे होंगे। सर किंजल एक ही आदमी को दो हथियार से क्यों मारेगी? मतलब सर वहां पर कोई और भी था। रूहान और अमर दोनों को संजय ने मारा होगा, क्योंकि उस रॉड के ऊपर संजय के भी उंगलियों के निशान हैं, और तो और संजय के कपड़ों पर भी अमर और रूहान दोनों के खून की छींटे भी मिले। सर फिर संजय को इस छोटे से हथियार से किसने मारा होगा? और एक बार मरने के बाद फिर एक बार इस रॉड से क्यों मारा संजय को? सर हो सकता है कि किंजल को पता ही न हो कि संजय पहले से मर चुका है। बात थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन ये बाल शायद हमारी कुछ मदद कर सके। उसी कुर्सी पर से मिले हैं जो आप संजय के घर से लेके आए थे। दिखते तो असली जैसे हैं, लेकिन ये बाल असली नहीं है, विग के बाल है, विग के। दया, बहुत ही गहरी साजिश है ये, गहरी साजिश। सर इस विंडो के ग्लास पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं उससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती थी, लेकिन ये निशान थोड़े अधूरे हैं और हमें इसे बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक बात है जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। वो क्या? हमें किंजल के खून में से काफ़ी मात्रा में मेडिसिन के ट्रेसेस मिले, दवाइयों के। अब ये एग्जैक्टली कौन सी मेडिसिन हैं ये बस हम ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि किंजल को एक काफी बड़ी बीमारी है जिसका इलाज काफी सालों से हो रहा है। वो तो हमें हॉस्पिटल में किंजल की हालत देखकर ही समझ में आ गया था। किंजल, पता लगाना पड़ेगा किस बीमारी की शिकार है ये किंजल। मीनाक्षी जी, हम लोग सीआईडी से हैं, मानो से हमें आपके बारे में पता चला। वैसे आप किंजल की? सीआईडी से? जी, मैं किंजल की दादी हूँ। क्या हुआ उन्हें? कल से मैं मानो को उसे फोन लगा रही, वो उठा ही नहीं रहे। सब ठीक तो है ना ऑफिसर? मैम एक्चुअली मानव और किंजल के साथ लेकिन अभी किंजल ठीक है और हमारे पास है। देखिए माँ जी, हमें पता है कि किंजल को कोई बड़ी बीमारी थी जिसका कई सालों से इलाज भी चल रहा है। जो कुछ भी है आप हमें सच सच बताइए। अगर किंजल निर्दोष है तो वो बच जाएगी। कोई तो है जो मेरी किंजल का सच जानता है, उसी ने उसको फंसाया है। एक मिनट मीनाक्षी जी, बताइए क्या सच है, क्या सच है जो हम नहीं जानते? दरअसल ऑफिसर, किंजल को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर? ये जो आप कह रहे थे कि किंजल कुछ बड़बड़ कर रही थी, मुझे इससे बचाओ, मेरे पास मत आने दो, मेरी मदद करो, इसके पीछे एक कहानी है। डक से बाद में खेल लेना ना, रख दे डक, पहले बाल बना दूं, है ना? यूरी, पति का ख्याल रखती नहीं है और दूसरे के बच्चे से इतना प्यार। यहाँ क्यों आया? चल बिंदु, पैसे निकाल। कोई पैसे नहीं दूंगी तुझे, दारू पीने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है तेरे, जा यहाँ से। तो पैसे नहीं देगी? नहीं देगी, जा यहाँ से। पैसे नहीं देगी, तू रुक। अरे किंजल, जा मैंने किसी को बुलाया, मुझे मार डालेगा। आंटी का मत मारना। उसके बाद से ही किंजल अपने आप को बिंदु समझने लग गई। हमने हर वो चीज इस घर से हटा दी जो उसे बिंदु की याद दिलाए। इस खिलौने को देखिए। अरे ये तो वही खिलौना है जो बिंदु ने किंजल को दिया था जब वो 6 साल की हुई थी। इसे देखकर तो किंजल को बिंदु की याद आ जाती थी। इसे मैंने छुपा के रखा हुआ था। लेकिन सर, ये आपको कहाँ से मिला? ये खिलौना हमें उस फ्लैट से मिला जहाँ पर खून हुए थे। मतलब सर, किसी ने किंजल पर इस खिलौने को ट्रिगर की तरह इस्तेमाल किया है? हाँ। मैम, किंजल की बीमारी के बारे में किस किस को पता था? बस मुझे पता था, और यहाँ एक डॉक्टर हैं, बस उन्हें मालूम था। सर, इस क्लिनिक को देखकर नहीं लगता कि यहाँ पर किसी का इलाज हो सकता है। कई साल पहले किंजल को यहाँ पे उसकी बीमारी के लिए दिखाया गया था। जी साहब। आप डॉक्टर हैं? नहीं, डॉक्टर साहब तो छुट्टियाँ मनाने अमेरिका गए हुए हैं। मैं कंपाउंडर हूँ। कहिए, किसे तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग CID से हैं। हमें आपकी मदद चाहिए, कुछ जानना है। जी कहिए। बहुत दिनों पहले यहाँ पे एक पेशेंट थी, किंजल। किंजल? हाँ थी, तो क्या हुआ सर? हमें जानना है कि कोई किंजल के बारे में यहाँ पे कुछ पूछने आया था या फिर कोई उसकी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ से ले गया हो। किंजल के बारे में कोई पूछने तो नहीं आया। हाँ, लेकिन एक नर्स आई थी सिटी हॉस्पिटल से। वो कंप्यूटर के पास गई और कह रही थी कि उसे ज़रूरी केस की फाइल चाहिए। कौन से केस की फाइल? वो तो नहीं पता। वो कंप्यूटर के पास गई और कुछ फोटो कॉपी की और करके चली गई। इससे? जी। देखकर तो लगता है कि काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये यूज होता है? जब से डॉक्टर साहब बाहर गए हैं, ये स्कैनर बंद पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, आखिरी बार उसी नर्स ने इस प्रिंटर को यूज किया था। अच्छा, अब बोल ना सारू के बोल। बस फ्लैट के स्विच बोर्ड और खिड़की से जो उंगलियों के निशान मिले हैं, उसमें बड़ी अजीब सी बात सामने आई है। क्या क्या सामने आई है अजीब सी बात? बस दोनों पर जो उंगलियों के निशान हैं वो किसी औरत के नहीं है बल्कि किसी आदमी के। क्या? अच्छा चल ठीक है। क्या हुआ सर? अभिजीत, कहानी में कोई तीसरी बूढ़ी औरत ही नहीं। सारुण के बता रहा था कि किंजल जिसे बूढ़ी औरत समझ रही थी ना, वो कोई औरत नहीं, आदमी है। आदमी? आदमी सर? हाँ, ढूंढ निकाला मैंने उसे। अरे किसे ढूंढ निकाला सर? वो औरत। औरत? कौन सी औरत की बात कर रहे हो फ्रेडी? बताओ जल्दी। सर, ऋषिना टावर के उस फ्लैट की मालकिन, मैंने उसे ढूंढ निकाला है। ये देखो, हर गुनेगार कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है। जैसे इसने अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। आप लोगों को मुझसे ऐसा क्या काम आ गया जो आप लोगों ने मुझे लंच तक नहीं करने दिया? मैम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, तीन खून हुए हैं और उसके बारे में जो भी हम सवाल आपसे करेंगे उनका हम सही सही जवाब चाहते हैं। आपके फ्लैट की चाबी किन किन लोगों के पास रहती है? तीन खून, लेकिन मेरे फ्लैट के साथ इसका क्या संबंध है? क्या किया उसने? क्या किया है उसने? उसने मतलब किसने? हाँ, कौन? जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है उसकी बात कर रही हैं आप? नहीं। तो फिर कौन? वो मेरा रिश्तेदार। रिश्तेदार दया। हाँ दया, ठीक है। अभिजीत, कृष्णा टावर में हम जितने भी लोगों से मिले सबको ब्यूरो में बुलाते हैं। सर, आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? शक सिर्फ तुम पर ही नहीं, यहाँ ये सारे जितने भी लोग मौजूद हैं ना, उन सब पर शक है, क्योंकि तुम लोग उस बिल्डिंग में रहते हो, लेकिन किसी ने भी बिल्डिंग के अंदर किसी को आते हुए नहीं देखा, ना बाहर जाते हुए देखा। तो शक तुम सब पर ही होगा ना। रूहान और अमर को संजय ने मार दिया और फिर वो खुद भी मर गया। किंजल ने जिंदा लोगों को नहीं मारा था, बल्कि मरे हुए लोगों पर वार किया था। और खून करने के बाद, मेरा मतलब है मरे हुए लोगों को मारने के बाद, किंजल वहीं बैठ गई कि सीआईडी वाले आए और इसे पकड़ लें। हाँ सर, ऐसा ही कुछ हुआ था, सबने देखा था। हाँ, मगर कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। अब दिखता तो है कि किंजल ने खून किए, पर ऐसा है नहीं। और कभी कभी जैसे नहीं दिखता, असल में वैसा ही होता है। जैसे आप लोगों ने उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा था, लेकिन असल में वो थी। आप लोग ये कहना चाहते हैं कि खून हम में से किसी एक ने किया है? बिल्कुल। जिस मरीज का ऑपरेशन करने आप हॉस्पिटल में गए थे, वो मरीज वहां पे आया नहीं था। शक तो आप पे भी है। अब किंजल ने एक बूढ़ी औरत की कहानी सुनाई, हालांकि कहानी में बूढ़ी औरत है ही नहीं, है एक आदमी। और उस आदमी को बचाने के लिए किंजल जाती है उस फ्लैट में, और उस फ्लैट में से मिलती हैं तीन लाशें, और किंजल बचती है। तो इल्जाम किंजल पर ही आएगा। मानव को अपने बीवी की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था, ऐसा ये दावा करता है। मानव जी, आपकी बीवी को सर्दी या जुकाम नहीं हुआ था कि एक दो दिन में ठीक हो गया और आपको पता ही नहीं चला? हाँ। और अमित और सीमा, आपके घर से किंजल की बालकनी में आप लोग बड़ी आसानी से जा सकते हैं। एलिना शूटिंग पर तो थी, पर कब तक थी ये किसी को नहीं पता। और सोहन जिस दोस्त की पार्टी में गया था उसका अता पता भी नहीं है। इसका क्या मतलब निकाले हम लोग? सर, मैं शूट पे थी या नहीं थी, इससे ये तो नहीं साबित होता कि मैंने खून किया है। हाँ, साबित नहीं होता एलिना जी, पर हम शक तो कर सकते हैं ना आप पर। और इसीलिए तुम सबके फिंगरप्रिंट्स हम लेंगे, और हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनसे मैच करके देखेंगे। बस खून ही अपने आप सामने आ जाएगा। सर, मैं पहले फिंगरप्रिंट्स देना चाहूंगी। हाँ, समझ में नहीं आता, एक भी फिंगरप्रिंट मैच कैसे नहीं होती है। देखा आपने, किसी ने कुछ नहीं किया। सर, क्या अब हम लोग घर जाएं? ठीक है, जाइए। दया, अभिजीत, समझ में आ गया फिंगरप्रिंट मैच क्यों नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ कैसे? आप शूटिंग में बहुत बिजी रहती है ना, इसलिए सोचा हम ही आपसे मिलने आ जाए। हाँ, पर यहाँ मेरे घर की चाबी तूने इसे दी थी? अब समझ आया? अभी भी समझ में नहीं आया हो तो हम बता देते हैं। सर, एक फिंगरप्रिंट में गड़बड़ है। किसका ये? सर, अलीना के। कहीं अलीना ने अपनी उंगलियों पर कुछ लगाया तो नहीं? तुमने ही वहाँ क्लिनिक में जाके किंजल के बीमारी के बारे में पता किया और उसका गलत फायदा उठाया। तुमने ही संजय को मारा और तुमने ही सोहन से फ्लैट की चाबी ली, संजय को दी। क्यों? संजय के फिंगरप्रिंट और 7th फ्लोर पे जो अंकना का फ्लैट है उसमें मिले फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। वो बूढ़ी औरत संजय था। तुमने ही किया ना ये सब कुछ? हाँ, मैंने किया ये सब। क्या माना? पूरी बात नहीं बताई सर को? कोई बात नहीं सर, एक्चुअली ना ये सब के पीछे मानव का हाथ है। इसने प्यार तो मुझसे किया, लेकिन शादी उस पागल किंजल से। हस्बैंड वाइफ ने मिलके ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और इससे मैं बदला लेना चाहती थी, बस इसीलिए। तुमने संजय को बूढ़ी औरत बनने के लिए मजबूर कैसे किया? संजय मेरे ऑफिस का एम्प्लॉय था और मैं उसकी एक्स बॉस। उसे एक छोटे से फ्रॉड केस में फंसा दिया। वो इतना डर गया कि कुछ भी करने को तैयार हो गया। अलीना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज इस केस में मुझे मत फंसाओ ना। तुम तो जानती हो मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्यों? तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे फंसाने से पहले सोचा था क्या? अलीना, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज मुझे बचा लो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करोगे? जैसे तुम कहो मैं बिल्कुल वैसे करूँगा। मेरे लिए खून करो कि खून? खून? हाँ, वो जो तुम्हारे दोस्त है ना, दो, क्या नाम है, रूहान और अमर, बस उनके साथ कृष्णा टावर में शिफ्ट होना होगा, जिस फ्लैट में मैं कहूँ वहाँ। और उसके बाद क्या करना है वो बाद में बताऊंगी, ठीक है? तुमने जो कहा था मैंने कर दिया। अब किंजल यहाँ कभी भी आ सकती है। अभी तो काम बाकी है। कौन सा काम? उस वक्त मानो किंजल के साथ ना रहे, इसलिए तुमने प्लान बना के मानो को हॉस्पिटल भेज दिया, जहां पे कोई पेशेंट था ही नहीं। तो चाहती थी कि मानो पूरी रात हॉस्पिटल में रहे, जो ये बात था, और मैं यहाँ अपना काम पूरा कर रही थी। दिमाग किंजल का नहीं बल्कि तुम्हारा खराब है अलीना। मरीज तो तुम हो। दुश्मनी तो मानो और किंजल से थी। उन तीनों लड़कों ने क्या बिगाड़ा था? उनको फोन क्यों किया तुमने? अरे सर, वो तीनों भी सीधे नहीं थे। जहाँ मैं पहले काम किया करती थी, वो तीनों भी मेरे साथ ही काम करते थे। फ्रॉड किया था, धोखा दिया था तीनों ने मिलके मुझे। मेरा जीना आराम कर दिया था ऑफिस पे। मेरी बेइज्जती हुई, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया और जिसका बदला तो मुझे लेना ही था। मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में लिया जाए। ये सोहन, ये तो मेरे प्यार में लट गए। इससे मैंने अंकिता के फ्लैट की चाबी मांगी तो इसने आसानी से दे दी बिना कुछ पूछे। बस मैंने सोचा कि क्यों ना इस उस मानव के साथ साथ उन तीनों से भी बदला ले लिया जाए जो मैंने किया। और गलती मुझसे यह हुई कि इस मानव को छोड़ दिया। मेरे बस में आता तो इसका भी खून कर देती। बदले की आग में तुमने 3-3 खून कर दिए, पर मिला क्या? अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.